हाई हील, टाइट स्कर्ट और गले में टाई, ये मार्क ब्राइन की पसंदीदा पोशाक है और उनकी नजर में ये सामान्य है। मैं हाई हील क्यों पहनता हूँ? मुझे ये पसंद है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही स्टाइलिश है और इनमें टांगें अच्छी लगती हैं। अमेरिका में पैदा हुए ब्राइन कहते हैं कि वेशभूषा का कोई लिंग नहीं होता। इस यकीन और आत्मविश्वास ने उन्हें टॉप मॉडल बना दिया है। लगभग हर वीकेंड पर वे उड़ान भर रहे होते हैं, एक के बाद दूसरे फोटोशूट के लिए। इस समय 61 साल के ब्राइन बर्लिन में एक डैनिश वुमेन्स मैगजीन के लिए पोज दे रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछते कि क्या मैं वोग और दूसरी इंटरव्यू मैगजीन्स में आऊंगा, तो मैं कहता कि आप बोरा गए हैं। 2020 में ब्राइन ने इंटरनेट पर अपनी तस्वीरें डालनी शुरू की और जल्द ही वे कामयाब होते गए। इंस्टाग्राम पर अब उनके 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तकरीबन हर दिन वे एक नया फेवरेट आउटफिट पोस्ट करते हैं। मैं अब भी इस उम्र में इन्फ्लुएंसर बनने की आदत डाल रहा हूं। इतने सारे युवा फॉलोअर्स का होना मुग्ध कर देता है। मैं पॉपुलर हूं और एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते मैं पहनावे से जुड़ी शर्म और अपनी पसंद के काम करने से जुड़े डर से बाहर निकलने में लोगों की मदद कर रहा हूं। 3 बच्चों के पिता ब्राइन अपनी पत्नी के साथ बीते 10 साल से दक्षिण जर्मनी के एक छोटे से शहर में रहते हैं। हाई हील्स को लेकर उनकी ये दीवानगी कॉलेज के दिनों में शुरू हुई, लेकिन हर दिन महिलाओं के कपड़े पहनने का फैसला उन्होंने 5 साल पहले ही किया। मैं कोई स्त्री बनने या उनकी तरह व्यवहार करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं तो अपनी पसंद की चीजें पहनना चाहता हूं, वो भी पुरुष होते हुए। मैं इसे हाइब्रिड स्टाइल कहता हूं। मैं पुरुषत्व और स्त्रीत्व के स्टाइल को मिक्स करता हूं। टेक्सास में पैदा हुए ब्राइन पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। वे ट्रेन से दफ्तर जाते हैं, कभी कभी तो वे प्लेटफॉर्म पर ही कैटवॉक करने लगते हैं। इस दौरान वे घूरने वालों और ताना मारने वालों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मुझे लगता है कि आत्मविश्वास के चलते लोगों से मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिद्धांत है कि अगर आप कमजोरी दिखाएंगे तो लोग आप पर हमला करेंगे, और मैं कमजोरी नहीं दिखाता। वापस बर्लिन के फोटो शूट में दुनिया भर की पत्रिकाएं और फैशन ब्रांड्स मार्क ब्राइन के साथ काम करने का मौका तलाशते हैं, लेकिन ये सिर्फ महिलाओं के कपड़े पहनने के बारे में ही नहीं है। मुझे लगता है कि लोग उनमें दिलचस्पी इसलिए लेते हैं क्योंकि वो अलग हैं। वो स्ट्रेट हैं, पारंपरिक नौकरी करते हैं, शादीशुदा हैं, 60 साल से ज्यादा उम्र है, बुजुर्ग हैं, और फिर भी जो पोशाक उन्हें पसंद है वो पहनते हैं। वो जनरेशन जेड के मूल्य दर्शाते हैं, जबकि वो खुद एक दूसरी जनरेशन के हैं। मार्क ब्राइन खुद को किसी अलग श्रेणी में नहीं रखते। जब लोग कहते हैं कि शायद वे हेटरोसेक्सुअल नहीं हैं, तो वे मुस्कुराने लगते हैं। हर किसी की अपनी राय होती है। मैं ना तो बहस करता हूं और ना ही उन्हें ठीक करता हूं। पोशाक या कोई क्या पहनता है, इससे सेक्सुअल झुकाव तय नहीं होता। और अंत में निचोड़ यही निकलता है कि ये सब पसंद पर निर्भर करता है, और हर कोई जानता है कि पसंद बेहद निजी मामला है।